सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. अब हम सॉइल के टाइप्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है. जैसे हमने 6 टाइप ऑफ सॉइल्स देखे, अब वन बाय वन करके डिटेल में एक एक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी सॉइल पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स एज वेल एज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स आने के फुल चांसेस है, ठीक है. क्लियर हुआ? तो आपको इसके लिए जो मैंने लास्ट ईयर जो क्लासिफिकेशन एक टेबल बनाया था जिसके थ्रू मैंने आप लोगों को अभी भी इन्फॉर्म किया, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपको रेडी करके मैं लाकर देता हूँ, जो कि हैंड रिटन है, जो कि आपको बेस्ट पड़ेगा, एकदम बुक की टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो द वेरी फर्स्ट वाला सॉइल है हमारा एल्यूवियल सॉइल. कौन सा सॉइल? एल्यूवियल सॉइल, ठीक है. अब ये जो सॉइल होते हैं ये मोस्टली इरोजन एंड डिपोजिशन से बनते हैं. किससे बनते हैं? इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है. इरोजन एंड डिपोजिशन, देर आर वेरियस फैक्टर्स, देर आर वेरियस एजेंट्स ऑफ इरोजन, ठीक है. वाटर इज वन ऑफ द मेजर, ठीक है, विच प्लेज वन ऑफ द मेजर रोल, ठीक है. एक पानी, ठीक है, सबसे ज्यादा इरोजन एंड डिपोजिशन करता है, ठीक है. पहले कंसेप्ट समझो कि इरोजन एंड डिपोजिशन, ये छोटा सा चीज मुझे बताना है, देन हम सॉइल के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे और जो सॉइल में दिखा है वो चीज पढ़ के, कैरेक्टर्स पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है. छोटा सा कंसेप्ट ये है कि इरोजन, इरोजन का मतलब होता है जब कभी भी फ्रिक्शन पैदा होती है, ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स, ठीक है, वो निकलने लग जाते हैं और इरोड होने लग जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया होगा जब आपने न्यू बाइसाइकिल्स ली, ठीक है, आपने नया जब साइकिल लिया, ठीक है, तो उसके जो ब्रेक्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक्स, दैट पर्टिकुलर ब्रेक्स इज मेड अप ऑफ रबर, ठीक है, बराबर. जो टायर को क्या करता है, रोकता है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है. तो होता क्या है कि जब आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, पहली बार जब आपने यूज किया तो ब्रेक बहुत अच्छे से लगा, क्यों? क्योंकि वो जो रबर था वो नया था, ठीक है, ब्रेक लगाया, बड़ा मजा आया, एक्सट्रीम लेवल, वाओ, सुपर, ठीक है. बट जब आप उसको यूज करते हो, यूज करते रहते हो, ठीक है, तो वक्त के साथ जैसे आप पुराने हो रहे हो, आपकी साइकिल भी क्या होगी? पुरानी होगी, ठीक है. और जब साइकिल पुरानी हो जाएगी तो इरेजर जो उसका होगा, जो रोक रहा है, ठीक है, जो ऑब्स्टिकल बन रहा है साइकिल को रोकने के लिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इरोड हो जाएगा. एक वक्त ऐसा आएगा कि वो रबर इतना छोटा होकर घिस के इतना कम हो जाएगा कि आप जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक अप्लाई नहीं होगा, ठीक है. क्यों? बिकॉज टायर जब घूम रहा था बहुत तेजी से, जब वो फ्रिक्शन में था, ठीक है, तो उस फ्रिक्शन वाले टायर को छेड़ने के लिए रबर ने क्या किया? दोनों ने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, एक सर्टन प्रेशर क्रिएट किया और उस दोनों को रोक दिया. और जब टायर रुक गया, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जब वो दोनों कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ? फ्रिक्शन पैदा हुआ और वो इरेजर जो बड़ा था, जो रबर, ठीक है, जो रोक रहा था, वो धीरे धीरे यूज के साथ साथ छोटा होता गया, ठीक है. फिर आप जाओगे साइकिल वाले अंकल के पास, वो एकदम नया लगा कर देंगे, ठीक है. तो होता क्या है कि दैट पर्टिकुलर रबर, ठीक है, वो क्या हो गया? इरोड हो गया. क्या हो गया? इरोड. दूसरा एग्जांपल अगर ले लो, आप बचपन में इरेजर्स यूज करते थे, अभी भी यूज करते हो बिकॉज यू ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो जब आप इरेजर यूज करते हो, नया इरेजर लाए नटराज का, वाओ, ठीक है, ले रहे, तो एकदम नए नए लाए, एकदम, ठीक है, अच्छा वाला था, एकदम मस्त. आप पहले दिन दो दिन एकदम बहुत, बचपन में, बचपन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब हम छोटे थे तो हम चीजें, नई चीजें देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, यस, कब पढ़ने बैठना है, अभी अभी लाया है, ठीक है. तो इरेजर यूज करता है, कब गलती हो और इरेजर यूज करो, ठीक है. तो जब आप इरेजर अप्लाई करते थे, ठीक है, पहले वक्त तो बड़े प्यार से, बहुत ध्यान से संभाल कर, ठीक है. आज के जमाने के जो नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो आजकल मोबाइल बड़े प्यार से संभालते हैं, ठीक है. फिर बाद में एक बार काम खत्म हो जाता है, पुराना हो गया तो कैसे भी फेंकते हो, ठीक है, गुस्सा आया तो मोबाइल फेंक दिया, ये चीजें होती है, कोई बात नहीं, इंडिया है, ऑल इज वेल, ठीक है. तो इरेजर, जब आप इरेजर स्टार्टिंग डे वन पे जब आप यूज करोगे तो एकदम परफेक्टली रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है, आप उसका एरिया वगैरह सब पेंट कर सकते हो, सब दिखेगा एकदम क्लीन, क्लियरिटी HDI में, ठीक है. बट जब आप वही इरेजर को आफ्टर 5 डेज 6 डेज या कुछ वीक हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप ज्यादा उसको यूज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ठीक है. तो क्यों हो रहा है? बिकॉज जब भी आप इरेज कर रहे हो, आप बुक के साथ उस पर्टिकुलर इरेजर को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स फ्रिक्शन पैदा हो रहा है. फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से क्या हो रहा है? पार्टिकल्स इरोड हो रहे हैं. वैसे ही जब पानी जो चंचल है, ठीक है, जो चलती है, जो फ्लो होती है, जब वो फ्लो होगी तो क्या होगा? वेलोसिटी के साथ फ्लो होगी, ठीक है. पानी जब फ्लो होगी तो वेलोसिटी के साथ फ्लो होगी, और जब वो वेलोसिटी के साथ पानी फ्लो हो रही है
ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो सॉइल को, स्टोन्स को, पेबल्स को, उसके रास्ते में हर आने वाले चीजों को वो इरोड करना स्टार्ट करेगी, समझ रहा है। अब इरोजन का एक दूसरा भी होता है डिपोजिशन, ठीक है, वर्ड को समझो, डिपोजिशन ब्रेक करोगे तो इसका मतलब मिलेगा पोजिशन को रिलोकेट करना, ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो वो जो सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, जहां से इरोड हुए हैं, वाटर क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, और कब तक ट्रांसपोर्ट करेगा, जब तक उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने की वेलोसिटी होगी, क्षमता होगी, बराबर, क्लियर हो रहा है। एक सर्टन टाइम आएगा जब वाटर की वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, अब वो बोलेगा कि भाई मैं ही आगे नहीं जा पा रहा हूं, तो तुझे क्या आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, बैठ जा शांति से, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स एक जगह से निकले दूसरे जगह पे डिपॉजिट हो गए, यानी कि पोजीशन चेंज हो गया, समझ में आ रहा है, दैट मींस डिपोजिशन। सो एलुवियल इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज मोस्टली और हमेशा वाटर की वजह से ही होती है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स ऑफ इरोजन, विंड को भी ले लो, विंड भी इरोजन करता है, पूछो कैसे, हवा है, ठीक है, हवा के साथ क्या उड़ता है, मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो भी क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल्स को हवा इरोड करता है, और कहीं ना कहीं जाकर हवा जब वेलोसिटी कम हो जाता है तो जाकर सेटल डाउन करता है, तो विंड है, वाटर है, ठीक है, देन वेव, सी वेव है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन है, क्या है, एजेंट्स ऑफ इरोजन। तो एलिवल सॉइल वाटर की वजह से बनता है, वाटर की इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है, ये होता कुछ नहीं है, ये होता है कीचड़, क्या होता है, कीचड़। देखो अगर हम स्कूल के, अगर हम हिंदी स्कूल के, हिंदी मीडियम, हिंदी मराठी मीडियम के स्कूल के बच्चे हैं, तो एलिवल सॉइल कुछ नहीं, कीचड़, ठीक है, समझा, बट अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और वो भी सीबीएसई में, क्लियर हुआ, समझ रहा है। तो अब देखते हैं कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पहले हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब हमें पता चल गया कि यस ये एलुवियल सॉइल है, अब देखते हैं कि इनकी कैरेक्टर क्या है, ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलुवियल सॉइल, ठीक है, दिस आर द पॉइंट्स विच यू ऑल कैन राइट फॉर योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, पहला वाला, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया, हमारा इंडिया का नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से बना, अब उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हमारे इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट्स है वहां पर माउंटेन्स है, माउंटेन से ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर बने हैं और वो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से वाटर का फ्लो स्टार्ट हो गया, वाटर का फ्लो अपवर्ड से डाउनवर्ड, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आने की वजह से वाटर क्या कर रहा है, बहुत ग्रेट स्पीड से वहां से आ रहा है, तो सॉइल को क्या कर रहा है, स्टोन सरफेस को क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है, इरोड करने की वजह से नॉर्थ प्लेन्स बन गए, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया, और ऐसे हमारे इंडिया को दूसरा फिजिकल फीचर्स मिल गया, तो इसलिए ये बोला है इट्स अ मोस्ट फर्टाइल, दूसरी चीजें बोली बहुत काम की चीज होगी, ठीक है, ये जो एलुवियल सॉइल है ये बहुत काम की चीज, ठीक है, फार्मर्स के लिए ये बोलते हैं कि गोल्ड है, ठीक है, क्यों, बिकॉज फर्टिलिटी इसके अंदर है, ठीक है, फर्टिलिटी है यानी कि फार्मर्स इसको क्रॉपिंग करने के लिए यूज, समझा, ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इट इज फॉर्म्ड विद द डिपोजिशन ऑफ द फाइन सिल्ट कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर, जैसे मैंने कहा वॉटर हमेशा एलुवियल सॉइल बनाएगा, ठीक है, और ये कीचड़ होता है इसलिए इसे सिल्ट बोला जाता है, ठीक है, यानी कि स्टोन्स होते हैं इसमें, पेबल्स होते हैं, ठीक है, ये गीला गीला होता है, ठीक है, मॉइस्चर इसके अंदर होता है बिकॉज ये कीचड़ होता है, ठीक है, और पानी से लाया जाता है इसलिए ये गीला होता है, क्लियर हो गया, समझा आप लोगों को एलुवियल सॉइल, इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, बोल चुका मैंने, साफ साफ आपके सामने लिखा है, गुजरात प्लेन्स एंड द कोस्टल, यानी कि पूरा नॉर्थ में आपको एलुवियल सॉइल मिलता है, इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, क्ले मटेरियल होगा, सैंड होगा, ठीक है, और सिल्ट, ठीक है, क्लियर हो रहा है, देन इट इज डिवाइडेड इन टू, अब ये जो एलुवियल सॉइल है ये टू टाइप्स में डिवाइडेड है, और ये दोनों टाइप जो है ना आपको बहुत परेशान करेगा, ठीक है, क्यों, अब जैसे कि फार्मर के लिए ये गोल्ड है तो हर गोल्ड की, ठीक है, कुछ खासियत भी होती है, ठीक है, तो अब ये जो गोल्ड है ये गोल्ड की भी टू टाइप्स है, ये जो एलुवियल सॉइल है इसके टू टाइप्स है, और ये टू टाइप्स पे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा, ठीक है, जो हम आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है, सो टू टाइप्स, खगर एंड भंग, ठीक है, ये दो टाइप होते हैं, एक अदर सॉइल होता है और एक होता है भंग, ठीक है, यहाँ पर बोला है न्यू वाला कौन सा होता है, ओके, और ओल्ड वाला कौन सा होता है, वो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी एक बार देखेंगे, देन
It contains soil nutrients such as potash, phosphorus acid and lime, so it is the fertile and good for the growth of sugarcane, rice, wheat and pulses. ठीक है, ये सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर आपको पॉइंट्स में पूरा पूरा मार्क्स गेन करना है, एक चीज याद रखना, सॉइल कहाँ उगी, कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल का मेन फीचर जैसे कि मैंने बोला वो फर्टाइल है या नहीं, ठीक है, ये दूसरी चीज. तीसरी चीज कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर क्या कंटेंट है. जैसे अगर मैं रेड सॉइल बोलता तो आयरन में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो रेडी कलर है, ठीक है, क्लियर हो रहा है. तो ये चीजें होती है कि सॉइल वाले में अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो चीजें आपको क्या चीजें याद रखनी है, याद रखने वाली ये चीजें कि वो पाए किधर जाती है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है, ये चीजें याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आपको जो जब आंसर फॉर्मेशन करना है तो ये चीजें लिखोगे तो आप अगर 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट लिखते हो इट्स इनफ, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है वो आपको 1-1 पॉइंट्स के लिए 1-1 मार्क्स दे, ठीक है. हालांकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं होता, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की पैटर्न ये है कि आप अगर ज्योग्राफी लिखते हो तो इसका मतलब आप भगवदगीता बड़े ही प्यार से लिखते हैं, ठीक है, मतलब अगर आप 6 मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट 12 पॉइंट्स डायरेक्ट 50% ज्यादा, क्लियर हुआ. तो इसके लिए वो क्या है, इनके लिए वो भगवदगीता है, ठीक है, भगवदगीता बाइबल सब सारे जितने होली फेथ से, ठीक है, चलो. तो ये था हमारा एलिमेंट सॉइल. नेक्स्ट सॉइल के टूवर्ड जाते हैं, उससे पहले डिफरेंशिएट बिटवीन करते हैं, ठीक है, प्लीज कॉपरेट करो, थोड़ा सा वक्त है, थोड़े वक्त में मैं आप लोगों को लेक्चर्स एंड कर दूंगा, ठीक है. देन बंगाल एंड अदर, ठीक है, बंगाल इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड इज कंपोज ऑफ द ओल्डेस्ट एलिवियल प्लेन. ऐसा एलिवियल सॉइल जो बहुत पहले आ चुका था, मतलब इरोड होकर डिपॉजिट होकर उसको काफी समय हो गया है, तो वो ओल्ड हो गया, ठीक है, जूना है, ठीक है, इसके लिए उसके अंदर तो मॉइस्चर सूख गया है, मॉइस्ट नहीं रहा है, होगा बट अंदर सॉइल के अंदर, ठीक है, ऊपर से वो सूख चुका है, इसीलिए वो बांगर बोला जाता है. इनको डिफरेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि एक जूना होता है और एक नया हो जाता है. नया वाला कौन सा, जो अभी अभी इरोड होकर आया है, ठीक है. तो आप अब डिस्टिंग्विश बिटवीन हमेशा याद रखो, मैंने यहाँ के कुछ 1-2 बच्चे के और इवन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के भी बच्चों के कुछ पेपर्स देखे जहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन बच्चे यहाँ पे भी वही लिखते हैं और वहां पे भी वही लिखते हैं, सेम लिखते हैं. तो डिस्टिंग्विश करना है, इसका मतलब होता है दोनों में फर्क बतानी है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि ये राम है और ये श्याम है, तो ये राम की है और ये श्याम की, ठीक है, राम काला था और श्याम गोरा था, ठीक है. तो ये चीजें दिखानी पड़ेगी आपको, क्लियर हो रहा है. तो बंगर आपका क्या है, ओल्डेस्ट एलिवियल सॉइल है, और खादर आपका क्या है, ठीक है, नया नया नवीन, ठीक है, ये क्या है आपका खादर वाला पार्ट. देन दे लाइ अबाउ द फ्लड प्लेन्स, दे रिसेम्बल टेरेस, ठीक है, एक फ्लड प्लेन्स और फ्लड लीव्स करके एक टॉपिक है, ठीक है. देखो फ्लड प्लेन क्या होता है, जब आप रिवर को देखोगे, ठीक है, रिवर जिसके दो बैंक होते हैं, बैंक मतलब स्टेट बैंक एंड एचडीएफसी, ठीक है, बैंक मतलब दो किनारे, ठीक है. तो जब आप रिवर को देखोगे तो उसके दो किनारे होते हैं, ठीक है. तो होता क्या है कि वो जो दो किनारे हैं, ठीक है, जब आप रिवर्स को देखोगे तो, ठीक है, एक होता है फ्लड लीव्स और एक होता है फ्लड प्लेन्स. लीव्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो एलिवेटेड पार्ट होता है, ठीक है, पानी इसके बीच में से बह रही है, ऐसे सोचो ऐसे 3D में ऐसे पानी बह रही है, ठीक है. तो ये होता है फ्लड लीव्स, यानी कि जब फ्लड आता है तो कुछ पार्टिकल्स इधर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, बराबर, इसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको फ्लड लीव्स बोला जाता है. प्लेन्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये प्लेन लीव्स है, ठीक है, और इसे फ्लड इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऐसे वक्त पे जब यहाँ पर जमा होता है, तो ये क्यों कब जमा होता है, जब फ्लड आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे फ्लड प्लेन्स एंड फ्लड लीव्स बोला जाता है, ठीक है. तो ये चीजें हैं कि आपको बंगाल कहाँ देखने मिलेगा, फ्लड प्लेन्स, समझ में आ रहा है. इसका अपोजिट क्या लिखोगे आप, द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है. तो ये यहाँ पर फ्लड लीव्स पे देखने मिलेगा, ठीक है, और ये जो सॉइल होंगे ये हमेशा क्या हो जाते हैं, रिन्यू होते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं वक्त के साथ, ठीक है. द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकर, ठीक है, एंड इज कंपोज ऑफ कैल्केरियस डिपॉजिट, ठीक है, ये मोस्टली कंकर होते हैं मंगर वाले ओल्ड एलिवियल, ठीक है, बिकॉज वो सूख जाते हैं, तो बचते क्या है, स्टोन्स एंड पेबल्स, ठीक है. तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं तुम सूख गए तो हम भी सूखेंगे, नहीं, हम सूखेंगे नहीं, नहीं,
ठीक है, और खादर वाले होते हैं वो गीले होते हैं, ठीक है, उसमें कंकर नहीं होते, ठीक है, और ये जो होता है खादर वाला वो न्यू होता है, उसमें फर्टिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये जैसे लिखा है, ठीक है, चल नेक्स्ट।